तो क्या ले मेरे प्यारे भाई लोग, तो भाई लोग यहाँ पर रैंक पोस्ट का पहला दिन हो जो भाई पहला दिन में इतना बढ़िया किल निकलते हैं ना, और यहाँ पर तुमको बहुत मज़ा आने वाला है गेम प्ले। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि यहाँ पर भाग भाग के मैं बंदे मारने वाला हूँ। और आप लोग को एक बात बता दूँ, जो भी यहाँ पर रैंक पोस्ट कर रहा है ना, जो नया सीजन C4S12 में जो रैंक पोस्ट कर रहा है भाई, तो देखो मेरी राय मानोगे तो भाई बहुत फ़ायदेमंद है। क्योंकि अगर आपका यहाँ पर अच्छा डिवाइस है तो भाई मैं तो एक ही बात बोलूँगा, इवेंट पे अगर तुम सर्वाइव कर सकते हो तो इवेंट पे सर्वाइव करो और यहाँ से अच्छे खासे किल निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर किल निकालता हूँ, और अगर आपके यहाँ पर लो एंड डिवाइस है तो भाई मेरी राय मानो कोई कार बग्गी ले लो एंड यहाँ से रिकॉल लेने के बाद कहीं दूसरे लूटो और बंदे से ईजी फाइट लो। समझ रहे हो मेरी बात को? इस चीज़ को भाई ट्राई करना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत फायदेमंद है। अब बढ़ते हैं गेम प्ले के ऊपर। यहाँ पर मैं दो बंदों को तो मार देता हूँ, तभी नीचे एक बंदा होता जो कि भाई अपने ऊपर स्मोक कर रखा था। अब यहाँ पर मेरे को साउंड आ चुका था इस बंदे का क्लियर कि ये बंदा कहाँ पर है, तो मैं इस बंदे पे यहाँ पर नेड करता हूँ। अब एक सीन देखना, यहाँ पर तुम बस क्लियर फुट सुनना, ठीक है। मैं इस बंदे को नॉक कर मतलब फिनिश करने के बाद इसकी गेट लूटता हूँ, तभी तुम देखो राइट में से किसी बंदे का साउंड आ रहा था, तो यहाँ मैं कन्फ्यूज था कि बंदा है का। फिर उसके बाद मेरे को क्लियर फुट आने के बाद यहाँ मैं समझ गया था कि बंदा कहाँ जाके बैठा हुआ है। और यहाँ पर इस बंदे को तो भाई खतरनाक ही मार दो। यहाँ पर आई को मारने के बाद फिर से यहाँ पर लूट वूट करता हूँ मैं, और यहाँ पर बंदे स्पॉट कर रहा होता हूँ, तभी मैं यहाँ पर बंदे तो स्पॉट कर रहा होता हूँ और एक बंदा यहाँ पर रिकॉल होता है मेरी छत के ऊपर कूद गया था, तो यहाँ मेरे को साउंड भी आ चुका था। जैसे मैं यहाँ पर इस बंदे को डैमेज देता हूँ ना, मैं इस बंदे पर तुरंत रश कर देता हूँ। और यहाँ पर भाई खतरनाक इसको एक के जो हेड पड़े ना, मजे आ गया था। इस भाई को मारने के बाद मेरे को यहाँ पर एक बॉट का साउंड आता है, और यहाँ पर इस बंदे को मारने के बाद, बॉट को मारने के बाद, तो यहाँ पर देखोगे एक जो सामने घर है जो कि बड़ा वाला, वहाँ पे एक बंदे की गन का मेरे को चमक रही थी, मतलब दिख रही थी। तो मैं क्या सोचता हूँ इस बंदे पर यहाँ पर मॉली करते, और मॉली करने के बाद ना मैं इस बंदे पर यहाँ पर रस कर दूंगा। अब एक पल को क्या लगा भाई, यहाँ पर ही मैं इजी इस बंदे को मार दूंगा, पर यहाँ पर कुछ गलती सीन होने वाला है, वो आप जरूर देखना एक बार। मैं आप वेट कर रहा था कि मौली कब खत्म हो जाए। जैसे यहाँ पर ना मौली खत्म होती है, मैं अब इस बंदे पर रस करता हूँ, और यहाँ पर मैं अंदर रस तो नहीं करने वाला हूँ। अब मुझे 101% तक बंदा यहाँ पर TPP लेके बैठा होगा। और यहाँ पर फिर से वही चीज़ ट्राई करता हूँ, पता नहीं बंदे ने क्या ही गंदा मारा, पर जो भी गया अच्छा मारा था। हो सकता है कुछ चीटर तो भाई मेरे को नहीं लगा था, पर भाई अच्छा बंदा हो सकता है। अब इस भाई को मारने के बाद तो मैं सोचता हूँ फेरी पियर में यहाँ पर ड्रैगन बॉल कलेक्ट करूँगा और बंदे मारूँगा। तभी यहाँ पर कुछ ऐसा होता है, मेरे को सामने खूब दिखती है, और बंदा भी मुझे ईजी स्पॉट हो चुका था जो कि लेटा था। अब सबसे अच्छी बात है इस बंदे ने मेरे को स्पॉट नहीं करा था। यहाँ पर मैं तुरंत बाद इस बंदे को मारता हूँ, और बंदे के मारने के बाद इसकी क्रेट लूटता हूँ, और क्रेट लूटने के बाद तुम सीन देखना, इसकी क्रेट ने मुझे मिल गया था भाई इमरजेंसी बैकपैक। तो मैं सोचता हूँ चलो ठीक है भाई, इसको खोलता हूँ, यहाँ से निकल जाता हूँ। तभी मुझे सामने एक और बंदा स्पॉट होता है। अब यहाँ मैं इसका वेट कर रहा था कि भाई एक बार जो ओपन कर दे उसके बाद मैं यहाँ पर मार दूँ, पर बंदा मेरे को स्पॉट कर लेता है, तो उसके बाद इस बंदे को मुझे मारना पड़ता है। तभी मुझे यहाँ पर एक और बंदे का साउंड आता है। अब यहाँ पर एक बॉट होता है, बॉट को मारने के बाद थोड़ा लूट करता हूँ, और लूट करने के बाद यहाँ पर मैं इमरजेंसी बैग को ओपन करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से निकलना था। अब यहाँ मेरे को बहुत ही ज़्यादा रिस्क लग रहा था भाई, यहाँ पर मैं तुरंत इमरजेंसी बैग लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ से मैं निकलता हूँ सीधे यसना में। क्योंकि देखो यसना में कैसी इन्हें भी सर्कल भी नहीं है, और वहाँ पर हम लोग लूट भी कर सकते हैं और ड्रैगन बॉल क्रिएट भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर अच्छा खासा गेम निकालना था। तो मैं इधर आता हूँ, तो मेरे को यहाँ पर कैप्सूल मिलता है, और यहाँ पर हमेशा ऑलरेडी कैप्सूल रहता ही है, मतलब 101% रहना है यहाँ पर। अगर कोई बंदा ले जाता है तो बात अलग है, वरना यहाँ पर तुमको 101% एक नई कैप्सूल मिलेगा ही। इसको मैं कैरी करता हूँ, कैरी करने के बाद यहाँ पर मेरे को अपार्टमेंट में एक बंदे का साउंड आता है। तो मैं क्या सोचता हूँ यहाँ पर पावर को यूज़ करके इस बंदे पर रश कर देता हूँ। और यहाँ पर पावर यूज़ करने के बाद तो मुझे पक्का पता था कि ये बंदा मेरे पे रस करेगा, और यहाँ पर
इस बंदे को इजी मार देंगे। और भाई को मारने के बाद यहाँ पर काफ़ी सारी मैं यहाँ पर ड्रैगन बॉल को कलेक्ट करता हूँ, और ड्रैगन बॉल को कलेक्ट करने के बाद जैसे मैं ये वाले ड्रैगन बॉल कलेक्ट करता हूँ तो कुछ तुम ये वाला सीन देखो भाई। यहाँ पर यसना में ही सामने ही कोई बंदा ड्रैगन को मंगाता है विश मांगने के लिए। मैंने कहा भाई चल ठीक है तेरे से फाइट अगर मैं ले लिया, और अगर तू मर गया तो भाई वो विश मैं मांग लूँगा। तो इसी लालच में इस बंदे पे मैं निकल जाता हूँ, अब बंदा भी मुझे यहाँ पे सीधे स्पॉट हो चुका था। भाई इसको तो जो गंदा हेड पड़े ना एम फोर के मजे आ चुका था। और यहाँ पर विश मांगता हूँ, तुमको पता है मैं स्ट्रेंथ की विश मांगता हूँ। और मांगने के बाद यहाँ पर लूट वूट करने के बाद मैं कैप्सूल लेके यहाँ से निकल जाता हूँ सीधे शॉप पे, क्योंकि तुम लोग को पता है यहाँ पर मेरे पास अच्छे खासे टोकन हो गए थे और मेरे को लास्ट में BRDM मंगानी थी और यहाँ पर चिकन निकालना था, कुछ मैंने ऐसा सोचा था। पर तुम लोग को पता है कि मेरे BRDM में किस्मत कितनी ख़राब है, बहुत ही ख़राब है, वो तुमको आगे जाके मालूम पड़ेगा क्या सीन होता है मेरे साथ, बहुत मज़ा आने वाला है। अब यहाँ पर तो मैं भाई प्लेयर मंगा लेता हूँ, उसके बाद लूट वूट करने के बाद यहाँ से मैं अपनी कैप्सूल लेके निकल जाता हूँ। अब आप सोच रहे हो कि भाई यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर तो मेरे ड्रैगन बॉल भी साथ कलेक्ट हो चुके थे यार, मेरे को भी तो ड्रैगन मंगाना था। हो सकता है अब यहाँ मेरा विश मांगने का पता क्या था कि मुझे यहाँ पर हीलिंग की विश मांगनी, क्योंकि जो मेरी पावर थी स्ट्रेंथ थी वो तो डबल हो चुकी थी। अगर मैं हीलिंग की पावर ले लूँगा तो मेरे साथ ज़्यादा एडवांटेज रहेगा, क्योंकि दो तो मेरे पास पावर रहेंगी एंड यहाँ पर मेरे पे BRDM भी रहेगी, तो भाई मेरे यहाँ पर चिकन को कोई भी नहीं रोक सकता है भाई, कुछ ऐसे ही सोचा था। तुम देखो भाई लास्ट में जो सीन होने वाला ना वो देखो बस। अब यहाँ पर मैं कैप्सूल लेके यहाँ से सीधे यहाँ से निकल जाता हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पर इस वाले सेक में आता हूँ, अब यहाँ पर मैं क्यों आया था, क्योंकि मुझे यहाँ पर BRDM मंगानी थी। अब इसके बाद जो जोन बनने वाला है वो डेथ जोन बनने वाला है, तो यहाँ पर मैं होल्ड करता हूँ। और जैसे ही यहाँ पर मेरा फ्लेयर का टाइम आता है मैं यहाँ पर तुरंत फ्लेयर चला देता हूँ, और फ्लेयर चलाने के बाद मैं सेक में बैठ जाता हूँ। यहाँ पर बंदे स्पॉट कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि हो सकता है कोई बंदा ईजी स्पॉट हो जाए, तभी तुम यहाँ पर गौर से देखोगे ना तुमको यहाँ पर एक बंदा स्पॉट होगा जो कि मेरे को ईजी हो चुका था। अब सामने देखो एक बंदा स्पॉट हो जाता मेरे को, अब मैं समझ तो गया था कि बंदा है लेटा हुआ है वहाँ पे। जैसे मैं इस बंदे को अच्छा खासा डैमेज देता हूँ, मैं इस बंदे पे पावर यूज करके तुरंत रेस्ट कर देता हूँ। और भाई को तो भाई पता ही नहीं चला ये बंदा यहाँ पर कब मर गया था, और मेरी BRDM आ चुकी थी, मैं यहाँ पर बहुत खुश था। चलो भाई यहाँ पर चिकन निकालेंगे, पर कुछ ये सीन देखो, वाह मेरे को एक पल को लगा चल भाई निकल जाएगी। जैसे यहाँ पर मैं ड्राइविंग करता हूँ ना, मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई ये किस्मत मेरी है, ये BRDM में भाई 101% में से 99% मेरे को यहाँ पर BRDM मिलती नहीं है, 1% तब है जो किस्मत है तो मिल जाएगी, वरना तो मेरे को कभी मिलनी ही नहीं है। उसके बाद मैं इसको छोड़ देता हूँ, अपना कैप्सूल लेके यहाँ से निकलता हूँ, तभी मेरे को सामने एक ओपन कार दिखती है, तो मुझे लगा चलो इसको स्प्रे मारेंगे, तभी यहाँ पर सेक पर रुक जाती है। अब यहाँ पर इस बंदे को मारने के बाद ना मैं इस बंदे पर स्मोक करके इजी लूटने वाला हूँ, मुझे लगा चल भाई ठीक है अभी सर्कल भी मेरे पास है तो यहाँ पर इजी चिकन निकालेंगे, स्मोक करके लूटता हूँ। यहाँ पर स्मोक में जो एक बंदा मेरे को मारने वाला है वो जरा गौर करना, और आप लोग यहाँ पर बताना कि भाई सीन क्या था, ठीक है। वीडियो चलेगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, चलता हूँ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।